कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है। भारत का एक शूरवीर जिनका नाम है सीडीएस बिपिन रावत, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। कल दोपहर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई। ये न्यूज आज हर जगह फैल गई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इससे पहले भी बिपिन रावत जी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होने वाली थी, लेकिन तब कुछ ऐसा मिराकल हुआ था कि वो अकेले ही उस क्रैश में बच गए। तो आज उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आज पूरा देश प्राउड करेगा। नंबर वन, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो आज पूरा इंडिया जानता है। ये बदला इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था, जहाँ हमने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारा था। इस मिशन में भी बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में भी वो इन्वॉल्व थे। उसी तरह न्यू दिल्ली से LOC पर वो नजर लगाकर बैठे थे ताकि कोई पाकिस्तानी अंदर घुसकर ना आए। नंबर टू, जैसे कि मैंने कहा कि बिपिन रावत जी का ये पहला हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं था। इससे पहले भी 2015 में वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाने वाले थे, लेकिन तब कुछ ऐसा मिराकल हुआ था कि वो अकेले ही उस हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए थे। लेकिन अफसोस कि वो इस बार नहीं बच पाए, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। नंबर थ्री, जब वो देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में थे तब उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये अवार्ड किसी को भी नहीं मिलता। इसे पाने के लिए आपको बेस्ट से भी बेस्ट होना पड़ता है, इसीलिए इसको प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है। नंबर फोर, बिपिन रावत जी एक ऐसे पावरफुल योद्धा थे कि उन्हें एज अ आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और PM हरीश को रिप्लेस कर दिया था। ऐसे यूजुअली कभी होता नहीं है, लेकिन बिपिन रावत जी की काबिलियत देख के इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था। नंबर फाइव, अपनी 40 से भी ज्यादा साल की सर्विस में बिपिन रावत जी को बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, जैसे कि अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। सच में यार, आज इंडिया ने एक असली हीरे को खो दिया है, लेकिन उनके जज्बे की आग हर एक हिंदुस्तानी के मन में हमेशा जलती रहेगी। नंबर सिक्स, जनरल रावत बहुत सारे इंटरनेशनल बायलैटरल विजिट्स, यानी दो देशों में हो रहे एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व थे, जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर सेवन, बिपिन रावत जी की ये खासियत थी कि वो ऊंचाई पर जंग लड़ने में और आर्मी को लीड करने में काफी एक्सपर्ट थे। अब ये तो सबको पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, और इस समय ठीक से पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके बावजूद भी बिपिन रावत जी ने वहां जाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन। नंबर एट, बिपिन रावत जी को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया गया था फॉर हिज रिसर्च ऑन मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज। और तो और, बिपिन रावत जी नेपाल की आर्मी के भी जनरल रह चुके हैं। सच में यार, ये अपने भारत के साथ साथ अपने पड़ोसी देश की भी मदद किया करते थे, और अगर किसी ने हमारे देश से गद्दारी की तो उसे घर में घुसकर भी मारा करते थे। नंबर नाइन, बिपिन रावत जी जिस दिन रिटायर होने वाले थे उसके एक दिन पहले ही उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को एक्सेप्ट किया था, जहाँ उनकी ड्यूटी ये थी कि उन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस पर नजर रखनी थी और गवर्नमेंट के लिए एज अ मिलिट्री एडवाइजर काम करना था। नंबर टेन, बिपिन रावत जी ये कहते हैं कि भारतीय सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपको भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती दिखानी है, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप भारतीय सेना के जवान कहलाएंगे। तो ऐसी होती है एक भारतीय सैनिक की जिंदगी। अगर वो लोग बॉर्डर पर खड़े हैं तभी हम अपने घर में चैन की जिंदगी जी पाते हैं, वरना बॉर्डर पार तो लोग इसी इंतजार में हैं कि कब वो हिंदुस्तान में घुसे और यहाँ तबाही मचा दे। तो इंडियन आर्मी की दिल से रिस्पेक्ट करो। जय हिंद।